हाय, हमें तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बैठ जाओ। ये लो हमारी बच्चों की कैटलॉग, कुछ इसमें से ऑर्डर कर सकते हैं। ओह नहीं, और ये वो नहीं जो हमें चाहिए। ये वाला सुंदर है और ये ब्लू वाला भी अच्छा है। हाय पेरेंट्स, केज से कैसे बाहर निकले? यहाँ से चले जाओ। ठीक है, चलो और ऑप्शंस देखते हैं। ओह हाँ, ये प्यारी है और ये बहुत दुखी है। हम इसे ले लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे पेरेंट्स की जरूरत क्यों है। मुझे ऑर्फनेज क्लोजेट में ज्यादा अच्छा लगेगा। हाय स्वीटी, विल्सन फैमिली में तुम्हारा स्वागत है। मुझे इस बात का ही डर था। मुझे फायर क्रैकर से नफरत है। ये एक्सप्लोड होते हैं और इनसे कोई मरता भी नहीं है। वाह, उसे कैसे पता? ठीक है। हाय, मैं तुम्हारा नया डैड हूँ और ये तुम्हारा नया घर है। तो थैंक्स से मिलो डैडी। क्या ये हाथ है? वाह, उन्हें होश में लाओ। वाह, मुझे एक सेकंड के लिए लगा तुम्हारे पास 3 आर्म्स है। ये फिर से आ गया। ठीक है, इसे अनपैक करने का टाइम है। मेरे ट्रेजर्स। हे स्वीटी, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। क्या ये तुम्हें पसंद आया? हाँ, शुक्रिया। ऐसा लगता है अब हमारी आपस में बन रही है। ओह, मैं अभी आया। जल्दी मत करना डैडी, मैं तुम्हारे लिए और खिलौने लाया हूँ। क्या तुम किसी मिसी को दफना रही हो? मुझे लगता है कि मैं अपनी बेटी से डरता हूँ, पर क्यों? ये मुझे दे दो। अब इनका भी इसी तरीके से मरने का समय आ गया है। हनी, प्लीज ऐसा मत करो। शायद तुम्हें इससे खेलना चाहिए। ओह ठीक है, मैं इनसे खेलूंगी, मजा आएगा। हमारे पास इनका फ्यूनरल है। इनके मरने का दुख मनाओ। और आप भी। ये गेम बहुत अजीब है। क्या तुम तैयार हो? टडा, ये तुम्हारा स्कूल लॉकर है। मैंने इस पर स्टिकर्स लगा दिए हैं और ये रहा तुम्हारा नाम। क्या तुम्हें ये पसंद आया? नहीं, रुको, अभी पूरा नहीं हुआ। इधर ही रहना, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। ओह, क्या ये स्पाइडर है? मुझे स्पाइडर बहुत पसंद है, ये बहुत प्यारी होती है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने लॉकर को अपने वेंसडे स्टाइल में बनाऊंगी। ये जगह स्पाइडर के लिए है, मैं इसमें अपनी चीजों की रखवाली करवाऊंगी। अब ये कूल लग रहा है। मैं और स्टिकर्स ले आया। ओह, तुमने इसे खुद सजाया है। ये ग्लूमी है। आप ग्लूमी हो। इसने मौत की बाहों में जाने का सपना देखा। तो आज तुम किस बारे में लिख रही हो? देखो मैं क्या लाया, एक लैम्प। ये भयानक है, मुझे लाइट्स पसंद नहीं है। ठीक है, कम से कम चश्मा तो लगाओ। क्या, मैं उन्हें सोते हुए मार दूंगी। ये तुम पर बहुत जच रहा है। आखिरकार वो चले गए। थिंक, इस लैम्प को हटाओ, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तुम इस पर कलर कर सकती हो, कुछ बढ़िया सा चुन लो। आह, ये बेहतर लग रहा है। तुम चले जाना जब तुम्हारा काम हो जाएगा। शानदार, अब मुझे ये पसंद है और मुझे लाइट की जरूरत नहीं है। मुझे अंधेरा पसंद है। मुझे इस लाइट बल्ब को बदलना है। शुक्रिया थिंग, तुम अब जा सकते हो। ओह हाँ, अब मेरे पास हमेशा स्पाइडर रहेगा। उनकी आत्मा बाहर आ गई है और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। अंधेरे की रानी को भी शॉवर की जरूरत है। ओह स्वीटी, नहीं नहीं, पहले मैं उधर जाता हूँ, फिर तुम मेरे बाद आ जाना। वो हर जगह चले जाते हैं, अब उन्हें सबक सिखाने का टाइम है। फिरहानास के बारे में क्या ख्याल है? डैडी, मुझे उम्मीद है आपको फिश पसंद होगी। आउच, ये क्या है? ओह नहीं, बाय बाय डैडी, मुझे लगता है अब आप सही हो जाओगे। चिकन, ये सिर्फ स्टिकर्स है। मेरा डार्क मेकअप, मैंने कहाँ रखूँ? मेरे पास कोई मेकअप टेबल नहीं है। हाय स्वीटी, ओह ये तुम्हारा मेकअप है। मैं इसे रखने के लिए एक स्पेशल जगह बनाऊंगा। तुम्हारे डार्क कुछ भी कर सकते हैं। बन गया, तुम क्या सोच रही हो? ये शेल्फ को देखो, ये कूल है ना? आपको पता है डार्क? मुझे भी पता है हैमर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये शानदार मेकअप शेल्फ है। लेकिन ये एक कॉफिन की तरह लग रहा है। ये ही कॉफिन है। हे, आपको कौन सा शेल्फ ज्यादा पसंद आया?
कमेंट्स में बताओ, आप जिसे चुनेंगे हम उसे लगा देंगे। वेंसडे हम थर्सडे को कॉमेडी मूवीज देखते हैं, ये एक फैमिली ट्रेडिशन है। कभी कभी मुझे लगता है कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। मुझे जिम कैरी पसंद है, काश मैं इससे अच्छा मर जाती। उसे देखो। ओह ये मजेदार है। ओह नहीं, मेरे पॉपकॉर्न खत्म हो गए। मेरे पास इधर बैठने की एक भी वजह नहीं है। मैं और बनाऊंगी। एक ब्लैक विडो स्पाइडर, कुछ पॉइजनस कॉकरोचेस, सीवीड, रैट ब्रेन्स, एक सेंटीपेड, ड्रैगन्स की आंखें और स्वाद के लिए एक चुटकी स्नेक। पॉपकॉर्न तैयार है। यम्मी। ओह ताजे पॉपकॉर्न, ये कूल है। हाँ मैं भी इसे बनाऊंगा। कितना डरावना बॉक्स है। मैं नहीं डर रहा। चलो देखते हैं। आउच, इसने काट लिया, दर्द हो रहा है। रुको। आउच, वेंसडे मदद करो। ये जिम कैरी असल में मजाकिया है। ये मजेदार है। क्या आप धीरे हंस सकते हो? हाँ माफ करना हनी। मुझे अपनी फैमिली पर बहुत गर्व है। वेंसडे इधर आओ, जल्दी आओ स्वीटी। देखो ये हमारा फैमिली ट्री है, ये सारे लोग तुम्हारे पूर्वज हैं। तुम्हें पता है क्या, चलो तुम्हारी फोटो भी इस एल्बम में लगाएं। चलो हम साथ में एक फोटो खींचते हैं। अरे पर कैमरे का बटन कौन दबाएगा? थिंक को अपना काम पता है, उसकी फोटोग्राफ मिलान एग्जीबिशन में थी। स्माइल, बोलो चीज, हमारी एक मजेदार फैमिली है। कूल, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो देखते हैं। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने आंख झपकी या क्या किया? एक सेकंड रुको, आपके पास फोटो में वेंसडे है। ये लो, अब आप खुश हो। हाँ कूल, एकदम असली की तरह। चलो इस एल्बम में लगा देते हैं। बढ़िया, मुझे सच में ये पसंद आया। मेरे ऑर्गन्स की कलेक्शन बढ़ रही है, इसे सही कंडीशंस पर रखना जरूरी है। एक दिन लोग इसे इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे और मैं फिर मना कर दूंगी। कूल, मैं इसे अपनी डायरी में लिख देती हूँ। स्वीटी क्या तुम्हारे पास वक्त है अपनी वार्डरोब को नया? वाह ये डरावना है, तुम्हारे पास बहुत सारी डार्क चीजें हैं। क्या मैं तुम्हारे स्टाइल में कुछ पिंक जोड़ सकता हूँ? तुम्हारी मॉम जब छोटी थी वो ये ड्रेस पहनती थी, तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। क्या ये मुझे पहननी है? हाँ प्लीज मेरे लिए पहन लो। पर शायद हम इस रैक के साथ फ्लोर्स को ज्यादा अच्छे से साफ कर सकते हैं। स्वीटी तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम अपनी मॉम की तरह दिख रही हो। तुम देखो। क्या हुआ डैडी? मेरी बेटी। नहीं मैं देख रही हूँ कि आपको ये पसंद आई, लेकिन तुम दोनों अलग अलग हो। क्या आप अभी तक मेरे फैंटम से मिले हो? हाय मैं फ्राइडे हूँ। ओह ये डरावनी है, क्या तुम इसे दूर कर सकती हो प्लीज? एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। टडा, ये तुम्हारे लिए है, बधाई हो। मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। ये गिफ्ट है। ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब फिर क्या हुआ? तुमने देखा भी नहीं, ये एक सेलो है। ठीक है होने दो। ओह तुम्हें क्या चाहिए? हाँ मैं सेलो बजा सकती हूँ। ठीक है तुम्हें म्यूजिक चाहिए, तुम्हें मिलेगा। ओह तुमने अपना मन बदल लिया। कूल ट्यून, मैं साथ में बजाता हूँ, शायद किसी दिन मैं बजाऊंगा और तुम डांस करोगी। वो क्या है? रुक जाओ, थिंक म्यूजिक को ठीक करो। ओह ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, ये बेहतर है। ओह हाँ थिंक, मैं खुश हूँ कि मैंने अपने म्यूजिक लेसन्स और अपनी डांस क्लासेस के लिए तुम्हें चुना। ये क्या चल रहा है? डार्क, ओह ये बकवास है, मैं इन्हें कैसे दिखाऊं? नहीं मैं सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ठीक है मैं सो रही हूँ, थिंक लाइट बंद कर दो। बहुत अच्छे, लगता है ये सो गई है। ये मेरे प्लान का टाइम है। बेवकूफ बॉक्स, मैं अभी तुम्हें काटूंगा। आउच, ओह, तुम मेरे से दूर ही रहो। हो गया, भयानक चीज। मैं जादू का मास्टर बनूंगा और फिर वो मेरी इज्जत करेगी। ये काम कर गया, कूल। खैर खैर, ओह हाँ एक मैजिकल पोशन, मैं एक असली मैजिशियन हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा। मैं अपनी बेटी को डार्क प्रिंसेस से लाइट में बदल दूंगा।
बहुत सारे पोषण की जरूरत है क्योंकि वो बहुत डार्क है। ओह, मुझे उम्मीद है कि ये ब्लड है। स्वादिष्ट है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे लोगों को गुड मॉर्निंग कहना है। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं एक ऑर्डिनरी लड़की हूँ। स्वीटी गुड मॉर्निंग, तुम बढ़िया लग रही हो। नहीं, ये एक सपना है, मैं पहले जैसे बनना चाहती हूँ। ये काम क्यों नहीं कर रहा? ओह चिंता मत करो, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। अब तुम्हें इन ब्लैक पिंक लड़कियों की तरह दिखना है। तुम इनकी तरह थोड़ी थोड़ी लगती हो, सच में कूल। मेरे पास एक आइडिया है, चलो अपने लिए खुद का बैंड बनाएं। आप चाहते हो मैं जाऊं? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, तुम कर सकती हो। और एक और दो, चलो रॉक करें। ओह हाँ, बीट को महसूस करो। TNT, मैं डायनामाइट हूँ। डैड रुक जाओ, आप बहुत तेज गा रहे हो। मैं अपने एक्स डैड के पास वापस जा रही हूँ, वो सच में कूल है, आपकी तरह नहीं है। मुझे बुरा लगा, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उन्होंने उसके टैलेंट की कदर नहीं करी है। लड़की बहुत उदास है, अब वो अपने ऊपर विश्वास नहीं करती। बिल्कुल, डैड ने उसके रोने की आवाज़ सुनी। अपनी बेटी के सपनों को पूरा करना हर डैड का जरूरी टास्क होता है। अब मौली का फेम उसकी परेशानी है। जब मॉम नाश्ता बना रही है, डैड और मौली अपने वीडियो के लिए चीजें ढूंढ रहे हैं। उन्हें अपनी पुरानी चाल से मॉम का ध्यान भटकाना होगा ताकि वो अंडे ले सके। डैड की कमर पर पक्का निशान पड़ने वाले हैं। मॉम ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें ये ठीक करने के लिए वीकेंड पर अपने मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। डैड अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साउंड प्रूफिंग के लिए अंडे की ट्रे बेस्ट होती है, उन्हें बस पेंट करके दीवार पर चिपकाना होगा। अब उसके बेड का दूसरा बंक स्टूडियो है, जहां उसके फ्यूचर वर्ल्ड हिट्स बनेंगे। मौली को इंस्पिरेशन के लिए ब्राइट लाइटिंग की भी जरूरत है। उसके डैड दुनिया में सबसे अच्छे हैं, पर जाहिर है आपके डैड के बाद सारे सेलिब्रिटीज के पास अच्छी अच्छी आउटफिट्स के लिए बड़े वार्डरोब होते हैं। मौली को भी जरूरत है, पर ये उनके परिवार के लिए बहुत महंगा है, तो डैड घर पर मौजूद सामान का इस्तेमाल करके खुद बनाएंगे। डैड का स्लोगन है, सोचो कम करो ज्यादा। और हाँ, उन्हें मौली के पसंदीदा रंग से पेंट करना होगा। उन्हें विश्वास है मौली को पसंद आएगा, और उसे सच में आया, बहुत अच्छा लगा। डैड को खुद पर गर्व होना चाहिए और उन्हें एक ट्रीट मिलनी चाहिए। अब इस फ्यूचर स्टार की एक नई परेशानी है, उसे कौन सी लुक चुननी चाहिए, ब्लैक या पिंक? अपने आइडियाज कमेंट्स में बताएं। मौली इंस्पिरेशन पाने के लिए सैर करने जा रही है। गाने खुद नहीं लिखे जाएंगे, पर फोरकास्ट के हिसाब से बाहर बहुत बारिश हो रही है। उसे पहले मौसम देख लेना चाहिए था। बारिश से वो निराश हो गई, पर उदास होने का वक्त नहीं है, उसे खुश रहना होगा। इंस्टाग्राम से मंगवाई एक ब्राइट LED स्ट्रिप ने कमाल कर दिया। इससे सिर्फ अंदर के मौसम पर फर्क पड़ता है। वो अपनी फोन की ऐप से रंग बदल सकती है, पर अगर वो झटका नहीं खाना चाहती तो उसे बादलों को छूना नहीं चाहिए। मौली बेड के दूसरे बंक पर चढ़ना चाहती है। इतनी हाइट के साथ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा, पर डैड की कमर हाजिर है, मतलब चढ़ने के लिए। उसने अपने शूज भी नहीं उतारे। उन्हें इसे ठीक करने के लिए फिर से मैनुअल थेरेपिस्ट के पास जाना होगा। पर सिर्फ यही परेशानी नहीं है, अब मौली को नीचे आने में भी डर लग रहा है। जब उसके साथ पार्क में हादसा हुआ और वो प्लेन में फंस गई, तब से वो ट्रैम्पोलिन से भी डरती है। चाहे डैड जितने भी कोशिश कर ले, वो कूदने नहीं वाली। डैड के हाथों की ही मदद लेनी होगी, पर उनके कमर की तरह हाथ भी हर बार काम नहीं आएंगे। उन्होंने मौली का डर दूर करने के लिए खुद करके दिखाने का सोचा। देखो और सीखो कैसे करते हैं। लगता है कुछ गड़बड़ नहीं होगी, पर ट्रैम्पोलिन के हिसाब से उनका वेट बहुत ज्यादा था। डैड ने एक असली मर्द की तरह दिखाया। वो ठीक है, वो मान गए कि उनकी गलती थी। ट्रैम्पोलिन का आइडिया छोड़ देना बेहतर रहेगा। नीचे आने के लिए स्लाइड सबसे सही रहेगी। ये प्रोसेस बहुत मजेदार एडवेंचर साबित हुआ। आवाज एक ऐसी मसल है जिसे पंप करना पड़ता है। माइक की तार से उसकी क्रिएटिविटी में अड़चन आ रही है, उसे और जगह की जरूरत है। हो सकता है डैडी कुछ कर सके। हल बहुत आसान था, तार नहीं तो परेशानी नहीं। अब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन सीन के बारे में सोचते सोचते माइक के साथ चल सकती है। एक और दिक्कत है, अब माइक काम नहीं कर रहा, पर अच्छी बात है, इस तरह किसी को उसकी आवाज नहीं आएगी। डैड ने माफी मांगने के लिए एक बढ़िया गार्लैंड बनाया, पर वो काफी नहीं था। उनकी मूडी बेटी ऐसे तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी।
तो अब से उसका माइक स्टैंड पर रहेगा। अपना सर उठाकर गाओ हनी, कामयाबी तक पहुंचो। ऑडियंस के सामने ज्यादा अच्छी रिहर्सल होती है। बेस्ट ऑडियंस वो होती है जो कॉन्सर्ट छोड़कर ना जाए और रिफंड ना मांगे। शुक्र है इसके लिए मौली के पास दोस्त है। इस गाने का नाम है सैंडविच विदाउट चीज। उसकी ऑडियंस को गाना बहुत पसंद आया। उसका हमेशा से स्टेज से ऑडियंस में कूदने का सपना था। स्पॉटलाइट में होना बहुत अच्छा लगता है। लग रहा है मौली भूल गई ये सिर्फ उसकी फैंटेसी है, पर वो खुश है तो और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। डैड को उसकी इमेजिनेशन से दूर रहना चाहिए। मौली ने अभी अपने टिकटॉक पर बताया कि वो एक सिंगर है और उसके पास ऑफर्स आने शुरू हो गए। एक एक करके डेट्स बुक होने लगी। सबको अच्छे सिंगर्स चाहिए और मौली की पॉपुलैरिटी बहुत अलग है। वो पूरी तरह से बुक्ड है। महीने में उसके टैलेंट के लिए दिन कम पड़ रहे हैं, पर वो सिडनी ओपेरा हाउस के कॉन्सर्ट को मना नहीं कर सकती। मौली ने नया कैलेंडर बनाया ताकि किसी को मना ना करे, पर एक दिन मिसिंग है। कौन सा? कमेंट्स में बताएं। मौली के नए डांस से टिकटॉक पर धूम मच जानी चाहिए। और डैड कॉकटेल बना रहे हैं। उन्होंने मॉर्निंग सिएटल नाम के टीवी शो पर इसकी रेसिपी देखी थी। उन्होंने इतनी जोर से घुमाया और अब पूरे घर में बर्फ ही बर्फ हो गई। एक टुकड़ा मौली के टॉप में चला गया। उसने इन मूव्स की रिहर्सल नहीं की थी। इंटरनेट को एक्सपेरिमेंट्स पसंद है और डैड ने अपनी बेटी का अजीब डांस पोस्ट कर दिया। मौली घबरा रही है, उसकी इज्जत खतरे में है। वो ऐसी बेइज्जती सहन नहीं कर पाएगी और ये सब डैड की गलती है। पर लगता है उसकी अजीब मूव्स नया ग्लोबल ट्रेंड बन गई है। शायद उसे अपने डैड से माफी मांगकर उन्हें शुक्रिया कहना चाहिए, पर वो उन्हें बीच में जाकर तंग नहीं करना चाहती। अब जब मौली टॉप पर है, उसे अब नई वीडियो बनानी होगी। दुनिया ने मौली का डांस देख लिया है और अब उसकी मैजिकल आवाज सुनने की बारी है। माइक स्टैंड के बिना उसे हर वक्त माइक के पीछे पीछे जाना पड़ता है। उसकी आधी आवाज ही जा पाएगी। इस सब की वजह है एक मक्खी जो डैड का ध्यान भटका रही है। उन्होंने माइक पकड़ा हुआ है। एक बकवास इंसेक्ट की वजह से रिकॉर्डिंग खराब हो गई। हमारी लिटिल स्टार को पहली बार गुस्सा आया। खैर अब कम से कम मक्खी उन्हें तंग तो नहीं करेगी। रिहर्सल में थकान हो जाती है। मौली पूरी मेहनत कर रही है। बेचारी को बहुत पसीना आ रहा है। अब उसके रूम में एक वेंट की जरूरत है। डैड सिर्फ फैन और अपने हाथों से ही मदद कर सकते हैं, पर इतना काफी नहीं है। डैड ने सबसे तेज टर्बो ब्लोइंग मोड चालू कर दिया, पर मौली उनके तीसरे हाथ को देखकर डर गई। डैड को उसे ठीक करना होगा। क्या उनके पास पहले से वेंट था? हाँ, पर मौली को अच्छा नहीं लगता था। डैड ने उसका डिजाइन बदल दिया। वो अब अपनी बेटी की पसंद जानने लगे हैं। सबसे तेज मोड ऑन। एक मिनट, मौली कहाँ है? सिर्फ कपड़े ही बचे हैं। वो जरूर स्वर्ग में होगी। वो अपने कपड़े भी लेकर नहीं गई। अपने आप से पूछ लो दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ नहाने गई थी और डैड समझे वो उन्हें छोड़कर चली गई है। ये स्केलेटन उसका दोस्त है। मौली ब्लैक पिंक के कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, पर उसके शहर में अभी कोई कॉन्सर्ट नहीं होने वाला। वो अपनी ब्लैक पिंक डॉल्स के साथ खुद कॉन्सर्ट कर सकती है। उन्हें बस थोड़े मेकओवर की जरूरत है। आर्टिस्ट तैयार है और अब स्टेज पर जाने का वक्त है। उसे ये बनाना होगा। बन गया। स्टेज पर जाने का समय है गर्ल्स। 3-4। डैड उसका मजाक बना रहे हैं। उन्हें लगता है मौली अब डॉल से खेलने जितनी छोटी नहीं रही, पर वो अपने डॉल शो की वीडियो बनाने वाली है। लगता है डैड की सोच बदल गई। वो खुद को इतनी प्यारी डॉल्स के साथ खेलने से रोक नहीं पाई कि मौली का कॉन्सर्ट मैनेजर कौन है? कोई ऐसा जिसने सूट पहना है और जिसके लिए सबसे ऊपर मौली की पसंद है। वाओ, शायद ब्लैक पिंक के साथ उसका टूर तय हो गया है। हे मौली, तुम्हें चोट तो नहीं आई? डैड इतने खुश क्यों है? वो जानती थी फुटबॉल ही होगी। उन्हें स्पोर्ट्स कम देखना चाहिए और लेबल से बात करनी चाहिए। डैड को अपनी एक और हॉबी याद आई, खाना। बढ़िया फैमिली डिनर होने वाला है, पर मौली को प्लेट्स की जरूरत पड़ गई और वो लोग टेबल से नहीं खा सकते। उसे प्लेट क्यों चाहिए? उसे प्लैटिनम एल्बम चाहिए, पर उस अवार्ड के लिए बहुत इंतजार करना होगा। उसे बनाना ज्यादा आसान है, वो एक असली स्टार है। डैडी चोरी की गई प्लेट को पूरे घर में ढूंढ रहे हैं और बहुत गुस्से में है। मौली को लगता है अब ऑटोग्राफ देना सीखना चाहिए। जल्द ही लोग उससे मांगने लगेंगे।
कुछ अच्छा होना चाहिए, जैसे कि कोई फ्रेज या ऐसा कुछ। ओह, वो इसे लेकर बहुत सीरियस है। रिजल्ट बुरा ही है, पर कम से कम वो टिक टैक टो खेल सकती है। एक और कोशिश, इंस्पिरेशन मिल गई। मास्टर के हाथ कैनवस पर खुद चलते हैं। हमारी आर्टिस्ट पहली बार कुछ क्रिएटिव बना रही है, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। पर अचानक वो समझ गई, उसका एक्सप्रेशन ही उसका स्टाइल है, उसे यही चाहिए था। एक दिन इस पेंटिंग की कीमत करोड़ों होगी। हाँ, वो मैथ्स पर ज्यादा वक्त नहीं लगाती, उसे गाने लिखने हैं। अच्छी बात है, वो गाने के मतलब के बारे में ज्यादा नहीं सोचती। ओह नहीं, उसका कीबोर्ड खराब हो गया, या ये कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, ये मैं नहीं जानती। विश्वास नहीं होता, दुनिया ये लाइंस नहीं सुनेगी। मॉली अपने डैड को इन बेकार गैजेट्स को ठीक करने के लिए कहती है, जो उसे फेमस होने से रोक रहे हैं। अब डैड उसे ठीक करेंगे। वाओ, कीबोर्ड में कितना खाना अटका हुआ है। हैरानी नहीं हुई, मॉली के पास प्लेट नहीं है। डैडी ने बहुत कोशिश की और सबसे ज्यादा दबने वाले बटन्स बाहर निकल आए, पर वो मॉली को उदास नहीं करना चाहते, तो उन्होंने थोड़ी ज्यादा ताकत लगाई और उसके मनपसंद बैंड के नाम वाला नेकलेस बना दिया। उसका ध्यान टूटे हुए कीबोर्ड से हट गया। अब डैडी को चलना चाहिए, पर अब वो बटन्स के बिना गाने कैसे लिखेगी। लगता है अब उसे ऐसे वर्ड्स चुनने होंगे जिसमें ये अक्षर ना हो। मॉली ब्लैक पिंक पोस्टर्स के लिए पागल है, पर वो खुद के भी ऐसे पोस्टर बनाना चाहती है। उसके पास ऐसे कामों के लिए डैड है। ये शानदार फोटो शूट का समय है, थोड़ी प्यारी थोड़ी सासी। उन्हें मॉली की असली दुनिया दिखानी है और दिखाना है कि वो कितनी अलग हो सकती है। डैड फिर से कुछ ज्यादा ही बहक गए और बैक फ्लिप करके पीठ के बल गिरे। पोस्टर अजीब लग रहा है। मॉली की आंखें उसकी खासियत है, वो भी दो दो। लगता है डैड ने गड़बड़ कर दी। ये मॉली का पहला कॉन्सर्ट है, बहुत बड़ा इवेंट है। डैड क्रेजी फैंस को स्टेज से दूर रख रहे हैं। ऑडियंस थोड़ी कम है, सिर्फ मॉम और मॉली के खिलौने हैं, पर उन सबको अच्छा लग रहा है। डैड ने हीरो की तरह मॉम की किस पकड़ ली, सीधे दिल पर। पेरेंट्स का ध्यान भटक गया और भूल गए उनकी बेटी स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। मॉम को ये रिदम बहुत पसंद है, उन्हें सब कुछ याद है। वो कमाल कर रही है, वो एक असली के-पॉप स्टार है। खिलौने भी शांत नहीं बैठ सके और नाचने लगे। मॉली अब ब्लैक पिंक की फैन नहीं रही, वो सब खत्म हुआ, उसका सपना सच हो गया, तो उसे अब कुछ नया चाहिए। ओह, फोन बज रहा है। ये निक है, उसने मॉली को कलर चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए बुलाया है। खैर, वो मना कैसे कर सकती है। चलो चले, ये अंदर से बड़ा है लेकिन ज्यादा प्यारा नहीं है। अल्बर्टो ने अपने लिए रहने की जगह चुन ली है, वो ऊपर के हिस्से में रहेगा, उसे लंबा होना अच्छा लगता है। मॉली ने नीचे वाला हिस्सा चुन लिया है, जब से पहाड़ से गिरी है उसे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। निक ने बीच वाला बंक चुना, जैसे कि उसके पास कोई और चारा था, लेकिन उसका बैकपैक जादुई नहीं है। हमें बुरा लग रहा है, हमें सब कुछ खुद बनाना होगा, हमें बस ब्लू पिलोज की जरूरत है। मॉली इंस्टाग्राम पर फेमस है, अल्बर्टो के पास इंस्टाग्राम नहीं है, लेकिन फ्लावर असली ट्रैवल इन्फ्लुएंसर है। मॉली अपनी दीवार सजा रही है, अब उनकी बारबी यहाँ रहेगी। आखिरकार उसे नया अपार्टमेंट अच्छा लगा, ये मॉली को भी पसंद आया, लेकिन उसे ये शेल्फ अच्छी नहीं लगी, ये या वो, उसे खुश करना मुश्किल है। उफ, ऐसा लग रहा है निक को जादू से एलर्जी है। अल्बर्टो का प्लांट बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, कि उसे उस प्लांट को रखने की जगह ही समझ नहीं आ रही। उसे अपने ग्रीन बेबीज के लिए बहुत सारी जगह चाहिए, इसलिए उसने हर प्लांट के लिए खास स्ट्रक्चर बनाया है। निक मॉली को फ्लावर देगा, उसको ये पक्का अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा और रोमांटिक है। अल्बर्टो को प्लांट से जलन हो रही है, उसे बहुत गुस्सा आता है। निक की मैगजीन उसकी गोद में गिर गई। अल्बर्टो को उस पर गुस्सा आ रहा है और वो अपना बदला लेगा, लेकिन निक ने प्लांट नहीं चुराया, उसने वो ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये अजीब है, अल्बर्टो को बुरा लग रहा है, इसे दिल पर मत लेना। क्या हम पार्टी करें क्लाउन बलून्स और जादुई ट्रिक से? मॉली को ये शो बिल्कुल नहीं पसंद। क्लाउन के पास ग्रीन विग है, ये बकवास है, रेड ज्यादा अच्छी रहेगी। शो शुरू कर सकते हैं।
लेकिन अब एल्बर्टो को गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब बेचारा क्लाउन बढ़िया नहीं लग रहा। निक के पास भी कुछ चेंजेस है। ये विग नहीं है, उसने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और अब उसे फिर से कराना होगा। खैर, हमें अपने आप को एंटरटेन करना होगा। निक ऐसा कर रहा है जैसे वो इस काम में माहिर है। निक को अपना बंक सजाना है, इसलिए उसने खास कैनन बनाया। कम से कम उसने मिस नहीं किया। वाह, इसमें से एलईडी लाइट्स निकलती हैं। बुरा नहीं है। एल्बर्टो का मूड अभी अच्छा है। वो बढ़िया गाना गाकर बारिश लाना चाहता है। अगर आप इसे सोचोगे तो आपको ड्रैगन्स दिखेंगे। बारिश से एप्पल ट्री उग गया। मॉली का जादू खत्म हो गया। क्या किसी के पास चार्जर है? मॉली बोर हो रही है, उसका जादू चार्ज हो रहा है। अब इसे इस्तेमाल करने का समय है। शायद वो इस मैक्रोन को बड़े मैक्रोन में बदल सकती है। शानदार, एल्बर्टो को पिलो अच्छा लगा। उसे भी कुछ सॉफ्ट चाहिए। उसने जादू की छड़ी चुरा ली और बिल्कुल इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। उसका एप्पल मैक्रोन में बदल गया। अब ये साफ सी बात है कि इसने मॉली की जादू की छड़ी चुरा ली है। ये और भी बेकार है। ओह, अब सब पहले जैसा हो गया। वो फिर से खुश है। ओह नहीं, निक प्लांट्स के बारे में पढ़ रहा है और उसके पास पूरी कलेक्शन है। एल्बर्टो को ये सब देखना पसंद नहीं है। लीफ ब्लोअर लो, कस के पकड़ो। तुम भी निक, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। निक की वॉच भी खो गई। एल्बर्टो को कमाल का आइडिया आया है। लीव से वॉच बनाना कैसा रहेगा? अब समय देखने में मजा आएगा और अब वो लेट नहीं होगा। मॉली को अपने मेकअप से एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। उसके पास जादुई लिपस्टिक है। उसका मेकअप आर्टिस्ट माहिर है, लेकिन उसे ये अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत कोशिश करके यहाँ तक आया हूँ। डॉल्स को भी नींद आती है, इसलिए उनके पास अपने बेड्स, ब्लैंकेट्स और पिलोज होने चाहिए। चलो मॉली के साथ प्रैंक करें। ओह, ये अच्छा नहीं है। क्या उन्हें उसका ध्यान इस तरह रखना होगा? वो बुरा सपना देख रही है। वो जब उठी तो उसके आसपास डायनासोर और सब कुछ ब्लू थे। बहुत मजेदार है। उसे उन्हें मजा चखाना होगा। रोज कलर ग्लासेस ताकि दुनिया सुंदर दिखे। उन्हें ये अच्छा लगेगा। कितना कलरफुल प्रैंक है। वो जब उठे तो उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। आसपास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इसकी उम्मीद नहीं थी। हाँ, एल्बर्टो ज्यादातर गार्डनिंग करता रहता है। बटरफ्लाईज को उसके प्लांट्स पसंद होते हैं और मॉली को बटरफ्लाईज अच्छी लगती है। उसे वो बहुत पसंद है। वो उन्हें दीवार पर लगाना चाहती है। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे वो हवा में डांस कर रहे हो। उसकी जिंदगी बिल्कुल परियों की कहानी जैसी है। और एल्बर्टो की सारी बटरफ्लाईज उसे छोड़कर चली गई। अगर तुम उन्हें प्यार करते हो तो उन्हें जाने दो। निक के बैकपैक में बहुत फालतू का सामान होता है। तुम्हें इसमें कुछ भी मिल जाएगा। निक को इसमें कुछ भी अलग देखकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी। उसे ये जल्दी बनाना होगा। सवाल बाद में पूछना। और वो नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाला है। क्या उसे इसके लिए नोबेल प्राइज मिलेगा? क्या कम से कम उसे केलटेक में एक्सेप्ट कर लेंगे? उससे कुछ गड़बड़ हो गई? या फिर से उसने जानबूझकर किया है? इसका रॉकेट देखो, वो इलोन मस्क से पहले ही मार्स पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये रॉकेट ही इसका शेल्फ है। नहीं, कुछ मत दबाना। तुम कहाँ जा रहे हो? सारे बटन्स मत दबाना। अब उसे प्रोसेस करना होगा। इस बटन से कचरा निकल जाता है। हाँ, मॉली के पास बहुत सारी चीजें हैं और उन्हें रखने के लिए जगह नहीं है। ये एरोस किसी की मदद नहीं करते। गूगल मैप्स इस्तेमाल करो। लेकिन ये बढ़िया शेल्फ्स बनेंगे। वो यहाँ अपना सामान रख सकती है। जगह का कितना अच्छा इस्तेमाल किया है। एल्बर्टो उतना अच्छा नहीं कर रहा। वो अपना जादू चार्ज करना भूल गया था और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मॉली का मेकअप बढ़िया जगह पर पड़ा है। अब सब कुछ बढ़िया दिख रहा है।
निक को डायनासोर बहुत पसंद है। उसे लगता है कि वो यहाँ सेफ रहेंगे। अगर मिटियोर ने उन पर अटैक कर दिया तो उसने उन्हें छिपाने के लिए उस पर ब्लू पेंट कर दिया, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा वो छुपने लग गए। वो एल्बर्टो के गार्डन में चले गए। निक अपने डायनासोर का बहुत ध्यान रखता है। उसे अभी भी प्लानर खत्म करना है। वो इस तरह अपना स्केड्यूल ऑर्गेनाइज करेगा। ये डायनासोर की रक्षा करने के लिए मिटियोर्स लगाएगा ताकि उन्हें फिर से ना छिपाना पड़े। ये गलत है, लेकिन ये काम कर जाएगा। निक ट्रैवल करना चाहता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। वो जवान है और उसे बहुत सारी जगह घूमनी है। ओह, इस बार वो कहाँ जाएगा? उप्स, ठीक है, हर जगह उसकी नहीं हो सकती। कुछ जगह खतरनाक होती है। मॉली भी ट्रैवल करना चाहती है, लेकिन उसने ग्लोब गिरा दिया और वो टूट गया। अब हम सपने में भी नहीं घूम सकते। मॉली को बुरा लग रहा है कि उसने ये तोड़ दिया, लेकिन निक ज्यादा उदास नहीं है। उसे एक अच्छा आइडिया आया है। अब निक अच्छी तरह से मॉली के सुंदर चेहरे को देख पाएगा। वो दो दिन से डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं और अब आखिरकार ये रही बड़ी आइसक्रीम। मॉली ने अपने लिए ले ली, लेकिन वो पैसे देना भूल गई थी। पैसे जाने देना मुश्किल है। रास्ते में निक की आइसक्रीम पिघल गई। बुरा हुआ। और भी ज्यादा बुरा होगा अगर एल्बर्टो और मॉली की आइसक्रीम भी पिघल जाए। सिर्फ वही उदास क्यों हो? अगर मॉली की आइसक्रीम खराब हो जाती तो बुरा होता। वो निक को इसके लिए माफ नहीं करेगी। उसे बदला लेना होगा। बॉन एपेटिट निक, क्या तुम्हें कोल्ड फ्राइज पसंद है? मॉली को ये अच्छे लगते हैं।